यार मेरा अमेजोन से पार्सल आया था मैंने ना, बहुत बढ़िया एक कैटल ऑर्डर किया अपने लिए, तो मैं ना रूम पे जाकर दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। अभी नहीं, थोड़ी देर में। अभी हम थोड़ा काम से कहीं जा रहे हैं फिर से सर की बाइक सर नहीं है भाई, हमारे दोस्तों को पता है इंटरनल रुके हैं, बाकी पार्सल रिसीव कर लेता हूँ पहले भाई। मेरे 1470 देखो लग रही है देखने में 1.2 लीटर की कैपेसिटी है, इसके अंदर चावल बन सकते हैं हॉस्टल के मतलब रूम के अंदर तुम बैठे बैठे चावल बना सकते हो भाई, इतने अच्छी। अब बाकी वो नहीं पता भाई, जितना लिखा हुआ था उस हिसाब से तो बन सकते हैं, बाकी अब जाके चेक करते हैं। अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स की तैयारी हो रही है भाई, हमारे जूनियर्स यार लड़िया लगाई है भाई, हमारी बारे में तो इतना नहीं किया था, शाम को पता चलेगी डेकोरेशन कितनी। बाकी मेरे को ये नहीं पता भाई आ कौन रहा है आज वाली। ठीक है तो मैंने आते हुए अभी देखा कि भाई इसमें से अंडा निकाल दिया गया है, ये भी चेक कर लेता हूँ इसमें पड़ा हुआ है, इसमें किसी ने नोटिस नहीं किया होगा ना, इसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है अंडा। कोई नहीं, पड़े रहने दो जब तक पड़ा रहता है, उसमें से तो निकल चुका है। देखते हैं भाई कितने साल कितने महीने, आते जाते मेरे को याद आएगा तो मैं चेक करता रहूँगा भाई। अपना पार्सल आ चुका है, इसको थोड़ी देर में ओपन करता हूँ, मुझे अभी फ्रेशर्स के लिए तैयार होना है। तो फ्रेशर्स का तो देखो मैं कुछ ज़्यादा सीन दिखाने नहीं वाला, थोड़े बहुत शॉर्ट्स तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया, बाकी रात को आके इसको अनबॉक्स करूँगा। जब मैं हॉस्टल आया था ना अपने साथ कुर्ता पजामा लेके आया था, बट मैंने पहना नहीं उसे अभी तक किसी भी जगह, तो मैं सोच रहा हूँ अब फ्रेशर है तो कुर्ता पजामा पहन के देखता हूँ, क्या पता कोई लड़की भाव दे दे। तो फाइनल लुक मेरा कुछ ऐसा है, इसके साथ कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं पहन के जा रहा मैं, जस्ट यही लुक है मेरी आज के लिए। तो कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसे लग रहा हूँ भाई, तो अच्छा लग रहा भाई। तू क्यों जा रहा है भाई, रुक जा ना भाई, जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा भाई। अब देख मेरे को मम्मी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया है। बाकी कहाँ है, लेने आए हो? हाँ। चलो 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 चलो, ज़्यादा टेस्टी है इसलिए मैं थोड़ा सा पोर्शन चावल में ले रहा हूँ, वैसे तो मना है बट यार बिना चावल के रह नहीं जाता यार, रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। अंकित भाई इज बैक, अंकित अरे वाह आते गेमिंग सेटअप भी हो गया, सो रहा है, चलो सोने दो, कोई नहीं उठता है तो मिलवाते हैं, फिर कैसे लाश बन के सोया हुआ है। तो ये है मेरी इंस्टा कपा की मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक केटल, ओ भाई साहब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं पर कौन पढ़ने वाला है। कोशिश तो कर ली मैंने देखो कि प्रोफेशनल थोड़ा डब्बा खोलने की, बट हम भाई देसी बाड़क हैं, हमसे तो ना देखो नहीं होता, डब्बा खोल के देखते हैं क्या निकलता है। वेल गुड, ओ ओ ओ इसके साथ ना अंडे बॉयल करने वाले अटैचमेंट आनी चाहिए थी और आनी आई है साथ में। ओके ये स्टेयर करने के लिए लकड़ी का है भाई, स्टीमर, इसके अंदर मोमोज बन सकते हैं क्या, आई डोंट नो भाई। लिड बहुत सेक्सी है यार, कांच की इतनी अच्छा, और क्या है, इडली, इडली बनाने के लिए, मतलब हॉस्टल के अंदर रह के मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। वो साफ करने के लिए भी दिया है, बस मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ भाई, मेरे पास था ये। नाइस भाई, मेरा मन कर रहा है कुछ बना के देखो इसके अंदर, इन लोगों ने ना इतनी चीज़ें तो इसके साथ दे दी हैं, ये सब नहीं पढ़ा करता मैं, हट क्या समझ रखा है भाई, अच्छी चीज़ ऑर्डर कर दी है यार मैंने बाई चांस, सो फार सो गुड, अभी तक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, लुक वाइज वेट भी हल्का है, उसके साथ चीज़ें भी आई हैं। कल से मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और तुम्हें थोड़े दिन में अपना पर्सनल रिव्यू दे दूँगा
कि भाई ये चीज़ काम कर रही है अच्छे से या नहीं कर रही, मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर तुम ऑर्डर करना चाहो तो इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम मंगा सकते हो ये केटल। तो भाई अभी रात को बैठ के मुझे काम करना है, दूध का पैकेट लेके आता हूँ। हुडी कैसी लग रही है भाई? नई हुडी है मेरी। देखो यार, मेरे को भी पता है कि हर रोज़ ना सेम दुकान देख देख के तुम भी बोर हो जाओगे कि भाई जब भी कुछ सामान लेना होता है ये तो एक ही दुकान पे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक दुकान है एनसी में। एनसी में दो स्टोर्स हैं, एक स्टोर ये रहा। तो सोचा कि चलो आज थोड़ा एक्स्ट्रा चल के एनसी 6 तक आ जाते हैं, दूध का पैकेट लेना है, रात को कॉफ़ी बनाऊँगा। बाय द वे, ये रही लॉन्ड्री और ये रहा वो स्टोर। ये लॉन्ड्री और स्टोर एक ही मतलब टावर के अंदर है। भाई लॉन्ड्री इस बारे में तो महंगी पड़ी है, पर सर्दियों में ना लॉन्ड्री का ना बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पे कपड़े सूखते ही नहीं है भाई। दो दो चार चार दिन तुम्हारे इनर नहीं सूखेंगे तो क्या पहनोगे? तो बेस्ट है लॉन्ड्री में कपड़े दो, सूख के फोल्ड होके मिलते हैं। प्रेस के अलग पैसे। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा पार्ट चल रहा है वीडियो का, बट मुझे बताना कि भाई लगातार हर दो दिन में अगर वीडियो आ रही है तो मैं कैसा लग रहा है। तुम चाहते हो कि एक दिन के अंदर आए? अपना ना ज़रा बताना इस बारे में कमेंट्स के अंदर मुझे। भाई हम देसी लोग, एक बार ही पानी उबाल के तो एटलीस्ट चेक करने वाला हूँ मैं, चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार प्रॉब्लम हो जाती है भाई प्रोडक्ट में। ओके, ये काम कर रही है, कुछ सेकंड के अंदर ही पानी बॉयल होने लग गया है। ये वाली कैटल ना जस्ट परफेक्ट है, इससे मैं सर्दियों में अगर मेरी नाक वगैरह बंद हो तो स्टीम भी ले सकता हूँ, और एकदम माइल्ड बॉयल कर रही है ये। स्टीमर की तरह काफ़ी ज़्यादा है ये। ओवरऑल इट्स गुड इन्वेस्टमेंट अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो। अब अगर मेरे को भूख लगेगी ना तो तुम्हें इसके अंदर कुछ बना के खिलाता हूँ। मेरे पास इंस्टेंट पास्ता और यिप्पी और मैगी, ये तीन चीज़ें रखी हुई हैं अभी। जो दूसरी ये नॉर्मल वाली कैटल है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इसका मुँह जो है, इसका ढक्कन का मुँह, इसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी है, तो इसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने मूंगफली के लिए लास्ट ब्लॉग में जो मैगी का कप खाया था उसको अब मूंगफली के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी दूध बिस्किट खाने का प्लान है थोड़ी देर में, तो कॉफ़ी कैंसिल, रात को कॉफ़ी नहीं। वैसे मैंने रात, मेरे पास कॉफ़ी का जुगाड़ तो वैसे बहुत है, ये सारी मैंने कॉफ़ी ला के रखी हुई है अलग अलग फ्लेवर्स की और नेस्कैफे की, ये सब, ये पूरा बाउल सिर्फ कॉफ़ी से भरा हुआ है और भी रखी हुई हैं अलमारी के अंदर। काम करते हुए मेरे को कॉफ़ी चाहिए। रात तो ऐसी निकलने वाली है, कल मिलते हैं।